हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स। क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज है 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। आपको कुछ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मॉडल्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि कौन से परपेंडिकुलर और कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है। सबसे पहले होता है कि परपेंडिकुलर क्या होते हैं। परपेंडिकुलर होता है, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे या राइट एंगल पे, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब फर्स्ट है द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। हमारे पास क्या दे रखा है? एक टेबल है। एक टेबल के टॉप से जब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट क्या होता है? उससे जुड़ी हुई, ये हमारे पास जब नीचे की साइड आती है, एक साइड ये चली गई और नीचे की साइड आती है, तो ये दोनों साइड जुड़ी हुई है, तो एजेस ऑफ, ये हमारे पास क्या है? एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है तो क्या बनेगी? ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक है, उसकी लाइन्स कैसी होती हैं? रेलवे ट्रैक की लाइन्स ऐसे होती हैं, हमारे पास सीधी जाती हैं दोनों की दोनों लाइनें, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसे नहीं करती, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे? नॉट ए परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब लेटर एल है, एल लेटर भी हमारे पास क्या है? ये जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ कर रही है? 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है द लेटर वी। अब वी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये 90 डिग्री के एंगल पे तो नहीं कट कर रही, क्योंकि 90 पे करेगी तो ये भी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, और ये भी लाइन सीधी आएगी। अगर 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगी तो ये लाइन ऐसे के बजाय ऐसे आएगी, ऐसे आएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास तब 90 का बनेगा, ऐसे तो 90 का नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या बोल देंगे? नॉट ए परपेंडिकुलर, कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट है लेट पी क्यू लाइन बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्स वाई एक लाइन लेके चलेंगे कि एक्स वाई हमारे पास एक लाइन है, और उसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है हमें? पी क्यू एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है? उसका हाफ निकालना है। हाफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमें लाइन दे रखी है उस लाइन का हम हाफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि कंपास से अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे मैंने रखा कि ये ले रखा है मैंने, इसको करने के लिए क्या किया कि हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे हम, जो हमारे पास नियरली देख लेते कि हाफ कितना होगा, उससे ज़्यादा हमने ओपन कर लिया कंपास, मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद इसको यहीं पे रख के एक तो यहाँ पे आर्क लगा दी ऐसे, एक इसी को ऐसे के ऐसे नीचे की साइड आर्क लगा दें, जैसे था उतना का उतना ही रखना है हमें, फिर इसको रख के ऊपर से ऐसे कट कर दिया, और इसी से ऐसे कैसे नीचे की साइड भी कट कर देंगे तो नीचे भी कट हो जाएगा, और दोनों साइड जो कट हो जाएगा जब एक दूसरे को कट करेंगे तो ये पॉइंट आ गए, ये दोनों को इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, और फिर हमें क्या करना है कि हमारे पास डी रखें कंपास स्केल वगैरह कुछ भी लेके ऐसे दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ऐसे मिलाएंगे। एक दूसरे से मिलाने से जो ये हमारे पास पॉइंट आएगा ये क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट, इसका हाफ आ जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे कि एक्स वाई जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है कौन? पी क्यू। आगे क्या है? लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन एट पॉइंट ए। और जो दोनों लाइन्स है वो किस पॉइंट पे कट कर रही हैं? ए पॉइंट पे कट कर रही हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए एक्स? तो हमें क्या बताना? पी ए वाई की हमें मेजरमेंट बतानी कि जो एंगल पी ए वाई है वो कितने डिग्री का है। अब बताओ पी ए वाई, मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब भी कट करता है तो वो कितने डिग्री पे करता है? 90 डिग्री पे। तो क्या लिख देंगे? एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है देर आर टू सेट स्केयर्स इन योर बॉक्स। आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो तो उसके अंदर सेट स्केयर्स होते हैं, जैसे कोण होते हैं ना वैसे होते हैं, आपके पास देखा होगा कभी दो आएंगे उसमें सेट स्केयर्स। इन योर बॉक्स व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स?
दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, उनके जो कॉर्नर्स हैं जब हम उनकी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स, उसके जो एंगल्स की मेजरमेंट है, आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, उनके कॉर्नर्स की, डू दे हैव एनी एंगल्स मेजर दैट इज कॉमन, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन होता है? तो जब भी हम कभी भी देखा होगा आपने लेके आते हैं तो एक तो हमारे पास ऐसे होता है, इस टाइप का आता है, और एक हमारे पास क्या होता है कि ये जो लाइन होती है उसमें ये लाइन लंबी होती है और ये ऐसे, ये सेप होती है दोनों में, अलग अलग मिलेगी। एक में हमारे पास क्या मिलेगा कि दो साइड ये इक्वल मिलेंगी और एक में क्या होगा कि सभी साइड्स हैं वो नॉट इक्वल होंगी। अब दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों में सीधी लाइन होती है, दोनों में एक एंगल तो क्या होगा 90-90 का होगा। अब जिसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने और इसके सामने का एंगल इक्वल होंगे, तो इट मीन्स ये भी 45 हो जाएगा और ये भी हमारे पास कितना आएगा 45। फिर हमारे पास ये है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास साइड बड़ी है तो इसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये साइड छोटी है इसके सामने एंगल भी छोटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 90-90 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वन सेट स्क्वेयर हैज, एक सेट स्क्वेयर में तो क्या आता है 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये तीन एंगल आ गए, एंड अदर सेट और दूसरे सेट स्क्वेयर में क्या आता हैज 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये तीन एंगल आते हैं, दे हैव 90 डिग्री एज ए कॉमन एंगल से, और इन दोनों में कॉमन एंगल क्या है हमारे पास, इसमें भी 90 है इसमें भी 90 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम, इस डायग्राम को स्टडी करना है, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, और जो लाइन एल है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है कौन, लाइन एम, कैसे देखो, इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, आपको क्या बताना है कि सी ई इज इक्वल टू ई जी। अब सी से ई तक देखो कितने पॉइंट्स आ गए, सी से ई तक 1, 2 आ गए हमारे पास, और ई से जी तक ये तो हमारे पास 2 आ गए इससे इधर भी, और इससे इधर देखते हैं 1, 2 इसमें भी 2 आ गए हमारे पास है, तो क्या बोल देंगे सी ई इज इक्वल टू ई जी, यस बोथ मेजर 2 यूनिट्स के, दोनों में कितना है 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, जो पी ई है, पी ई ये जो हमारे पास लाइन है पी ई, ये बाइसेक्ट करता है किसको, सी जी को, सी से जी तक, ये हमारे पास सी से जी तक ऐसे लाइन हो गई, ये ऐसे आ गया, तो इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन्स हाफ में डिवाइड करता है, तो इसको हम देख लेंगे यस बिकॉज सी ई इज इक्वल टू ई जी, क्योंकि सी से ई और ई से जी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो गए इसको बाइसेक्ट करता है, इतना इधर है इतना इधर है, सेम सेम है दोनों में, तो क्या बोल देंगे बाइसेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स, 4 विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स निकालने हैं जो कि पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिनके ऊपर पी ई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किस किस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक तो हम क्या ले लेंगे डी एफ ले लेंगे, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा इधर सी, इधर भी एक बढ़ा देंगे सी और जी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बी, इधर क्या आ जाएगा एच, तो इन सभी पे क्या है ये परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो क्या बोल देंगे डी एफ सी जी एंड बी एच, ये सभी लाइन्स है जिनके ऊपर हमारे पास पी ई जो लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है, ई सी ग्रेटर है एफ जी सी, अब ई सी देखो ई और सी के बीच में डिफरेंस देखना है हमें, ई सी इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1, 1, 2 वन और 1, 2 यूनिट का आ गया, और एफ जी एफ और जी इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, इनके बीच में तो डिफरेंस है, तो क्या हो गया 2 बड़ा है 1 से, तो इसलिए क्या बोल देंगे ए सी है वो ग्रेटर है किससे एफ जी से, क्या लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी सी डी के बीच में क्या है 1 यूनिट है, और इधर क्या है जी एच, जी एच के बीच में भी क्या है 1 यूनिट है, तो क्या है दोनों इक्वल हैं इसलिए ट्रू। नेक्स्ट है बी सी लेस देन ई एच, बी सी बी सी ये हमारे पास बी सी है, इसमें कितनी यूनिट है 1 यूनिट है, और ई एच, ई एच में हमारे पास कितनी यूनिट है 1, 2, 3 इसमें कितनी आ गई 3 यूनिट हो गई, तो क्या है बी सी लेस देन है किससे ई एच से, ये भी क्या आ गया हमारे पास ट्रू।
ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 5 5.5 ओके थैंक यू।